बिहार के बक्सर में किसानों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 85 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसान उस वक्त उग्र हो गए जब पुलिस की कार्रवाई उन पर हुई। दरअसल पुलिस ने रात में कुछ किसानों के घर में घुसकर उन्हें पीट दिया, जिसके बाद ये वीडियो किसानों के बीच वायरल हुआ और देखते ही देखते ग्रामीणों ने पावर प्लांट को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। किसान 85 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने मंगलवार को प्लांट के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। उस समय पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन रात को पुलिस ने बनारपुर गांव में घुसकर मारपीट की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद एक शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया। पुलिस की ज्यादती के विरोध में बुधवार सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर प्लांट पर पहुंच गए और हमला कर दिया। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज ये दहक चुका है। आज पूरा यहाँ पर किसानों के द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोग कहूँगा, जरा दिखाएं कि कैसे ये शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कैसे किसान रात भर उपद्रव करते रहे, पूरा का पूरा तोड़फोड़ करते रहे। वहाँ की इस जो केबिन है उसको जला दिया गया है। उसके बाद ये धुआं है, दिखाएं जैसा धुआं है, ये उन्हीं के द्वारा सारा कुछ किया गया, जलाया गया है। और ये प्लांट का मुख्य एरिया है जहां पर जलाया गया है। इसके पीछे मेरे पीछे ये जो गाड़ी है, उस गाड़ी की तरफ जरा हम जाएंगे, जरा कहें कि वो गाड़ी है, जो गाड़ी को फूंक दिया गया है, वो सामने जो धुआं उठ रहा है वो किसी शेड से उठ रहा है, फूंक दिया गया है। यहां पर आपको इस विवाद के पीछे की वजह भी बता देते हैं। बक्सर के मुफस्सिल थाने के चौसा के बनारपुर गांव के पास थर्मल पावर प्लांट लग रहा है। किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, इसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1320 मेगावाट के इस प्लांट की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी थी। ग्रीनफील्ड सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले इस प्रोजेक्ट की लागत 11,000 करोड़ रुपए है। इसे केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त स्वामित्व वाली SJVN सतलुज जल विद्युत निगम बना रही है। इस प्लांट से 9,828 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा। करार के अनुसार संयंत्र से उत्पादित बिजली का 85% बिहार को दिया जाएगा। किसानों की मांग है कि जब तक मुआवजा नहीं तो फिर काम नहीं। वहीं SJVN की माने तो उन्होंने मुआवजे का भुगतान बिहार सरकार को कर दिया है, लेकिन बिहार सरकार ने किसानों को पैसा नहीं दिया, इस वजह से ये विवाद है। लेकिन ये चिंगारी आग में सिर्फ पुलिस की पिटाई की वजह से बदली। पुलिस ने जबरन घर में घुसकर किसानों को पीटा, जिसके बाद किसान उग्र हो गए। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे, और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियाँ भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे। बक्सर में फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच झगड़े में किसान पिस गए हैं और उस पर पुलिस की बर्बरता की वजह से आगजनी तक पूरा विवाद पहुंच गया। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।